हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हमने जो भी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इसका एक अलग रोल है और उसको हमने जो है वो सिलेक्ट किया है। आप ज़रा देखें कि आज जो मैंने टॉपिक लिया है, उस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में या किसी भी एग्जामिनेशंस के अंदर आता है। ठीक है, पत्र लिखना एक इम्पॉर्टेंट कला है और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर्स है। ठीक है, अगर आपको पत्र लिखना आता है तो वो एक उसका जो प्रभाव है वो एक अलग प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो आप जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन हो या जो हिंदी का पेपर होता है या जो अंग्रेजी का पेपर होता है, उन दोनों के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके अंदर जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग नंबर का देखा जाए तो लेटर के कम से कम 5 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, यानी 5 अंक जो है वो, यानी 5 नंबर जो हैं वो इसके जुड़ते हैं, किसके, लेटर राइटिंग के। ठीक है, तो पत्र लेखन जो है वो हमें सीखना है और पत्र लेखन को हमें सीखना पड़ेगा भी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसके अंदर हम जो है वो पत्र सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्र लेखन क्या होता है तो आप देखेंगे पत्र लेखन का अर्थ क्या है। सबसे पहला पत्र लेखन का अर्थ देखेंगे। इसमें ये कहा गया है कि पत्र लेखन एक ऐसी कला है, कला मतलब आर्ट बोलते हैं इसको, पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से, यानी जिसके मीडियम से, यानी जिसके माध्यम से दो व्यक्ति का मतलब होता है कि लेटर राइटिंग के अंदर हमेशा क्या होता है कि एक भेजने वाला होता है और एक जो है वो रिसीव करने वाला होता है, यानी एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो दो व्यक्ति एक दूसरे से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं। ठीक है, यानी पहले क्या होता था, अब तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं, मोबाइल्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ईमेल मैसेजिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो क्या होता था कि पहले लोग जो है वो लेटर राइटिंग के द्वारा बात करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये कहा गया कि जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में जो काफ़ी दूरी होती है, उनको विभिन्न कार्यों के लिए, यानी डिफरेंट काम के लिए या जो अलग अलग कार्यों के लिए सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किया जाता था, इसके लिए वो पत्र लिखते थे। ठीक है, यानी पहले जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अगर देखा जाए तो इस इतिहास के अंदर जितनी भी चीज़ें होती थी वो पत्र के माध्यम से जो है वो काम होता था। ठीक है, यानी पत्र जो है वो एक राजा दूसरे राजा को भेजा करता था, तो उस पत्र के माध्यम से ये काम होता था। ठीक है, तो पत्र लिखते थे। पत्र लेखन का कार्य अगर देखा जाए तो पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन का मतलब होता है आपके परिवार के अंदर भी जो है वो होता है, और ये पारिवारिक जगत से लेकर व्यापार जगत तक भी इसको इंक्लूड किया जाता है, यानी ये व्यापार में भी, ट्रेड में भी इस्तेमाल किया जाता है। पत्र लेखन का जो कार्य है वो अत्यंत प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली मैंने आपको बताया कि जो पत्र लिख लेता है, अभी देखिए आजकल भी आप जाते होंगे तो जहाँ बैंक वैंक है तो वहाँ पे आपको पत्र लिखना पड़ जाता होगा, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, वो पत्र लिख नहीं पाते किस तरीके से पत्र जो है वो लिखना चाहिए। देखिए, पत्र लिखना, जो मटेरियल आपने सोचा है उसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सही से लिखना बड़ी बात है कि आप कैसे लिखेंगे पत्र को, किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इस साधन के द्वारा, यानी पत्र के माध्यम से हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हमको सुविधा हुई होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं अपनी बात क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं फिर से बताता हूँ कि पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में जो मीटिंग्स हैं, जो काफ़ी दूरी पर स्थित है ना, उनके अंदर क्या होता है कि कोई काम की वजह से या कोई सूचना का जो है आदान प्रदान करना होता है, वो कई तरीके से हो सकता है, पारिवारिक जीवन में भी हो सकता है, व्यापारिक जगत पे भी हो सकता है, ये बात इसमें थोड़ी बात बताई गई है। और ये कहा कि इसी के साधन से, यानी पत्र लेखन के माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातें खुद जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इसका मतलब होता है पत्र लेखन, क्या होता है, पत्र लेखन। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे भी सीखते हैं पत्र लेखन। अब यहाँ पे देखिए, पत्र लेखन की उपयोगिता एवं महत्व, यानी अगर उसकी हम उपयोगिता की बात करेंगे, उपयोगिता का मतलब यूजफुलनेस, यानी उसका क्या फ़ायदा है और क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि आजकल जैसे यहाँ पे बताया गया कि दूर दूर रहने वाले जितने भी सगी संबंधी हैं, यानी जितने आपके रिलेटिव्स हैं या जो मर्चेंट हैं, यानी जो व्यापारी हैं, वो आपस में क्या करते हैं, आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए या संबंध रखने के लिए, यानी एक दूसरे से मेल व्यवहार बनाए रखने के लिए उनको पत्र जो है वो लिखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके मेल जोल में, ठीक है, उन और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है या उन दोनों का जो काम है, उन दोनों की जो पहचान है,
वो पत्र लेखन के माध्यम से हो जाती है। ठीक है, तो पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। जितने भी निजी, निजी माने प्राइवेट, और जितनी भी व्यापारिक सूचनाएं, यानी निजी सूचनाएं और व्यापारिक सूचनाएं जो हैं, इनको प्राप्त करने के लिए और इनको भेजने के लिए पत्र व्यवहार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, जैसे अगर आपको अपना प्रेम जाहिर करना है, क्रोध जाहिर करना है, जिज्ञासाएं बतानी है, या किसी से प्रार्थना करना है, आदेश देना है, निमंत्रण देना है, तो अपने भावों को आप लेटर के माध्यम से जो है वो व्यक्त करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर देखिए इस जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में आने वाला है, और आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको आप पढ़िए। ठीक है, और जब आपको पूरी चीज़ें पता हो जाएं, तो आप एक जो है वो लेटर जो है वो लिखने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, कि आप उस तरीके से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। हमने पीछे निबंध की सीरीज भी जो है वो बनाई है, उस निबंध की सीरीज़ को आप देखिएगा, ताकि आपका निबंध जो है वो गड़बड़ ना हो, और भविष्य में जो आपके एग्जामिनेशन है, यानी भविष्य के अंदर जो निबंध लिखने का जो मामला आएगा, उसमें भी आप निबंध जो है वो लिख पाएंगे। देखिए, इन सब चीज़ों को एक ही बार सीखना है। ठीक है, एक ही बार सीखना है, निबंध लिखना हुआ और पत्र लेखन हुआ और इस जो नोट्स डायरिंग होती है उसके बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको एक बार जीवन में सीखनी होती है, लेकिन आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप देखिए और इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो है वो सभी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, पत्र लेखन की उपयोगिता और महत्व के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसमें ये कहा गया कि अपने प्रेम जाहिर करने के लिए, क्रोध जाहिर करने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को जाहिर करने के लिए, अपनी प्रार्थनाएं देने के लिए, आदेश देने के लिए, और निमंत्रण जो है वो स्वीकार या भेजने के लिए जो है वो हम लेटर राइटिंग का, यानी पत्र लेखन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखा जाए तो आप देखिए क्या लिखा है कि पत्र के माध्यम से, यानी लेटर के माध्यम से जो संदेश भेजने में, जो पत्र में जो लिखित सूचनाएं होती हैं ना, उसको गोपनीय रखा जाता है। गोपनीय का मतलब होता है सीक्रेट रखा जाता है। कैसे? ये बात केवल किसको पता होती है? भेजने वाले को पता होती है, और जो प्राप्त करता है केवल उसको पता होती है। इसके अलावा किसी को भी पढ़ने की उसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से सीक्रेट होता है। ठीक, और ना किसी पढ़ने का अधिकार होता है, यानी किसी को भी पढ़ने का अधिकार उसका नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि ये काम आप मित्र से भी कर सकते हैं, यानी मित्र को पत्र भेज सकते हैं, शिक्षक को भेज सकते हैं, छात्र को भेज सकते हैं, व्यापारी को भेज सकते हैं, प्रबंधक को भेज सकते हैं, ग्राहक को भेज सकते हैं, और जितनी भी समस्त, यानी जितनी भी और चीज़ें हैं, उनको भी क्या करते हैं आप जो है वो भेज सकते हैं। क्लियर है? जैसे और व्यक्ति हैं या विशेष व्यक्ति हों, उनसे सूचना का जो है आदान प्रदान जो है वो हम कर सकते हैं, सूचना और संदेश जो है वो आपस में एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं। तो इन सब के लिए जो है वो हम पत्र माध्यम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं। क्लियर है? देखिए ज़रा, फिर लिखा है वर्तमान व्यवसायिक क्षेत्र में। व्यवसायिक का मतलब होता है बिजनेस क्षेत्र में, ग्राहकों को माल के प्राप्ति यानी संतुष्टि देने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय का विकास करने के लिए पत्र व्यवहार का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आप क्या हैं? स्टूडेंट हैं, तो ये काम आपको अपने विद्यालय में किया जा सकता है, यानी आपको विद्यालय में पत्र लिखना पड़ सकता है, आपको बैंक में लिखना पड़ सकता है, आपको किसी अधिकारी को देना होगा तो वहाँ पे भी आपको जो है वो जो लेटर है वो देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको लेटर राइटिंग की जो कला है वो आनी चाहिए। आगे की तरफ हमारा जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है वो ज़रा देखें आप, ये देखिए क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप पत्र लिख रहे होंगे, यानी पत्र लिखने वाले में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला लिखा है कि पत्र लेखन से संबंधित, यानी जो आप पत्र लिख रहे हैं उससे जितनी भी चीज़ें संबंधित हैं। ठीक है, यदि पत्र लेखन से संबंधित अनेक महत्व हैं, अनेक महत्व का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन महत्व का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब पत्र आपका आदर्श पत्र की तरीके से लिखा गया हो। आदर्श पत्र की तरीके से मतलब वास्तव में वो लिखा गया हो तो वो पत्र के जैसा लगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आदर्श पत्र की जैसे लिखा गया हो, और पत्र में जितनी भी चीज़ें सम्मिलित की जाएँ, यानी पत्र में जितनी भी चीज़ें सम्मिलित की जाएँ वो सभी की सभी जो है वो स्पष्ट हों और सरल हों, सुबोध हों। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है कि उसी के हिसाब से, यानी जब आप सारी चीज़ें सम्मिलित कर देंगे, ये सारी चीज़ें लिख देंगे और सभी चीज़ें अच्छे से लिखी जाएंगी, तभी वो पत्र को जो है प्रभावशाली जो है वो बनाया जा सकता है, या उसको प्रभावशाली जो है वो रूप दिया जा सकता है। तो अपने पत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपके पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं हों, तब ये पत्र आपका
जो है वो प्रभावशाली बन पाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। इतनी सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो ही आपका पत्र जो है वो प्रभावशाली होगा। देखिए क्या है, पहला तो भाषा, यानी आपकी आपका जो पत्र है उस पत्र में भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए। मैंने आपको निबंध में भी बताया था कि आपकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए। सुबोध का मतलब होता है आपके पढ़ने से, यानी आपकी जो लैंग्वेज है ना, आपकी जो भाषा है उसको आदमी पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाए, इसको बोलते हैं सुबोध, आसानी से समझा जा सके। तो अब देखते हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ। देखिए क्या है कि पत्र के अंतर्गत जो भाषा है वो एक विशेष महत्व रखती है, ठीक है, या एक विशेष तत्व है। पत्र की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, शिष्ट और नर्म होनी चाहिए, शिष्ट और नर्म होनी चाहिए। क्योंकि नर्म और शिष्ट पत्र, अगर जब आपका जो पत्र है वो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिसमें विनम्रता होगी, यानी नम्रता होगी या शिष्ट होगा, या ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही आप सम्मान के साथ जो है वो लिखा है, तो ही वो पाठक को प्रभावित कर सकता है। जैसे आप कैसे ये काम कैसे हो सकता है, तो आप देखिए कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं उसके अंदर, तो पाठक के मन में सीधे असर पड़ता है उसके, यानी वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाता है और वो महसूस करता है कि आपने कौन सी फीलिंग से हिसाब से जो है वो अपनी अपने लेटर को जो है वो उसके सामने जो है वो प्रस्तुत किया है या जो लिखा है या उसको जो है भेजा है, ठीक है। तो चलिए आगे, अब इसी का जो दूसरा स्टेप है, यानी इसके इसका जो दूसरा हमारा जो याद रखने योग्य बात है वो क्या है, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है कि संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है, पहला तो मैंने आपको बताया कि उसका जो जो आप लेटर लिखेंगे, जो पत्र लेखन लिखेंगे, उसकी जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नर्म होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से समझी जा सके, क्लियर है। दूसरी चीज़, आपने जो भाषा लिखी है वो संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त का मतलब होता है कि आपकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्त का मतलब अपनी बातों को बहुत ही समेट के आपको लिखना है, केवल मुख्य बातों को ही लिखना है। आप यहाँ पे देखिए कि वर्तमान युग में, यानी इस टाइम पे प्रत्येक व्यक्ति के पास, यानी जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास जो समय है वो धन से कम मूल्यवान नहीं है, यानी उनका धन से कम का मतलब, यानी बिल्कुल वो जैसे बोलते हैं ना टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय धाराएं किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, तो टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है नहीं, टाइम ज़्यादा सभी के लिए कीमती है, तो इसे व्यर्थ आदमी नहीं कर सकता। तो इसलिए पत्र जो लेखक व पाठक है दोनों का अमूल्य है, और मतलब जो टाइम है दोनों का मूल्य है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं दोनों का जो है वो कीमती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल मुख्य बातों को जो है वो पहले लिखे लिखने की जो है वो कोशिश करेंगे, और जो अनावश्यक बातें हैं यानी फर्जी की जो बातें हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, उससे हमें बचना चाहिए, ये मतलब होता है इसका। यानी आप अपने पत्र में अपनी बातों को बताने के लिए काफ़ी लंबा खींच रहे हैं और उसको अच्छे से बता भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे इस तरीके से जो आप पत्र लिखेंगे वो आसानी से पाठक जो है वो नहीं पढ़ेगा। हो सकता है वो बीच में ही छोड़ दे कि ये अच्छा नहीं लिखा है, तो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपकी जो मतलब जो जो आपने लिखा है वो संक्षिप्त में होना चाहिए, ठीक है। वास्तव में आप जानते होंगे कि जो लेटर है वो एक ही पेज में लिखा जाता है ज़्यादातर, तो अपनी बातों को आप एक ही लेटर यानी ज़्यादा कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे प्रभावशाली ढंग से जो है वो बताने की कोशिश करें, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं वो भी देखिए आगे की तरफ क्या है। देखिए आगे की तरफ जो बातें हैं वो कौन सी, ज़रा देखिए। दूसरा है स्वच्छता। क्या है स्वच्छता, स्वच्छता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, जो पत्र की जो भाषा है, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए, साथ ही साफ कागज़ पर अक्षरों को ध्यान रखते हुए साफ साफ लिखा जाना चाहिए, साफ साफ लिखा जाना चाहिए। अगर जैसे मान लिया कोई पत्र है उसको टाइप किया गया है कंप्यूटर से, तो उसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर कोई गलती होती या काट पीट होती है तो वो पाठक को अप्रिय लगती है, यानी अच्छी नहीं लगती, ठीक। और दूसरी चीज़, उसके मन में ये बात आ जाती, संशय आ जाता है कि इसको बाद में काटा पीटा गया, इसमें कोई लफड़ाया, ठीक है। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन जो इसमें लिखी गई है वो सत्य नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसमें काट पीट मचाया गया है। इसका मतलब होता है किसी ने इसको बीच में जो है वो छेड़ा है, यानी इसमें इसको कुछ गड़बड़ किया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पेपर के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए, यानी आप एक बहुत ही साफ साफ एक कागज़ लें, एक A4 पेपर लें जो बिल्कुल क्लियर हो, उस पे जो है वो अपनी बातों को साफ साफ लफ्ज़ों में जो है वो लिखें, ठीक है। उचित दूरी पर लिखें, उचित मतलब आपको काफ़ी बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, काफ़ी छोटा छोटा नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये स्वच्छता जो है वो ध्यान रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं,
ये देखिए, इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी बातों को रुचिपूर्ण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रुचिपूर्ण, यानी पत्र में रोचकता आनी चाहिए। जो पत्र है आपकी वो रोचक होना चाहिए। रोचक का मतलब होता है बड़ा अच्छा लगना चाहिए, जिसको पाठक जो है वो पढ़ने पर मजबूर हो जाए, यानी जो पढ़ने वाला है वो मजबूर हो जाए और पाठक के स्वभाव में, ठीक है, ध्यान रखिए, पाठक का जो स्वभाव है, यानी जिसको आप पेपर भेज रहे हैं, ये जो लेटर भेज रहे हैं, उसके स्वभाव और उसकी सम्मान को भी ध्यान में रख कर उस पत्र को लिखना चाहिए। जैसे मान लिया आप जिसको पत्र भेज रहे हैं, तो आपको पता होता है ना कि किसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग वो पत्र लिखा होना चाहिए, यानी वो पत्र पढ़े तो उसको अच्छा लगे। ये नहीं कि उसके पत्र के अकॉर्डिंग हो भी ना, जैसे मान लिया कि आपने पत्र लिख दिया किसी जिला अधिकारी को, ठीक, और बातें आपने इस तरीके से लिखी, ऐसा लग रहा है वो आपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके स्वभाव और उसके सम्मान को भी ध्यान में रखकर जो है वो लिखा जाना चाहिए क्या, पत्र, ठीक है। तो पत्र में पाठक के संबंध में प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे माने आदरणीय, प्रिय, महोदय, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पत्र है वो रुचिपूर्ण जो है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ और भी हैं, ये देखिए आगे की तरफ और भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्हें भी आपको जो है वो ध्यान में रखना चाहिए और वैसे ही जो है वो आपको करना भी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण की बात की गई, तो इसमें ये कहा गया कि पत्र जिस उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, देखिए पत्र जिस उद्देश्य के लिए लिखा जाता है उस उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही आवश्यक बातें पत्र में लिखनी चाहिए, ठीक है। यानी आपने जिस टॉपिक को, जिस उद्देश्य से पत्र लिखा है, ठीक है, यानी आपने जिस उद्देश्य से पत्र लिखने की कोशिश की है या पत्र लिखा है, तो पहले आप अपनी आवश्यक बातों को उसके अंदर रख दें, ठीक है। पाठक का उद्देश्य पर ध्यान जरूर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण होना जरूरी है, नहीं तो आपने जिस तरीके से भेजा है उस उद्देश्य की प्राप्ति जो है वो नहीं की जा सकती, ठीक है। तो उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें ये कहा गया है, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये पत्र लेखन के प्रकार, यानी पत्र कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बात है। तो निम्नलिखित जो मुख्यतः होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पत्र को अगर देखा जाए दो प्रकार के हैं, एक है जिसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, यानी पहला है उसको बोलते हैं औपचारिक पत्र, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो है वो कहलाता है। तो मेनली दो ही होते हैं, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे पहला हम पढ़ेंगे औपचारिक, औपचारिक का मतलब फॉर्मल लेटर, ठीक है, यानी फॉर्मल लेटर की बात की जाएगी। तो देखिए जितने भी सरकारी हैं तथा व्यवसायिक कार, यानी मर्चेंट व्यापारी वाले, जितने भी सरकारी और जितना व्यवसायिक यानी बिजनेसमैन है से संबंध रखने वाले जितने भी पत्र होते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। इस पत्र के अंतर्गत क्या होता है कि निम्नलिखित जो पत्र हैं उनको शामिल किया जाता है, जिससे सबसे पहले है प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रार्थना पत्र, दूसरा है निमंत्रण पत्र, ठीक है, निमंत्रण पत्र, और भी बहुत सारे पत्र हैं, देखिए जरा और भी पत्र हैं, सरकारी पत्र, ठीक है, दूसरा गैर सरकारी पत्र, व्यवसायिक पत्र, किसी अधिकारी को पत्र, नौकरी के लिए आवेदन हेतु और संपादक के नाम पे पत्र, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी यानी जितने आपके सामने दिखे गए हैं ये सब के सब क्या हैं, तो आप इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे औपचारिक पत्र, क्या बोलेंगे, औपचारिक, ठीक है, औपचारिक पत्र बोलते हैं, यानी इनसे कोई आपका जो है वो रिश्ता नहीं होता, ना आप इनको जानते हैं ना ये आपको जानते हैं, ठीक है, तो ऐसे पत्र को हम बोलते हैं औपचारिक, यानी इसको हम बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर्मल बोलेंगे, क्लियर है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी रखते हैं, देखिए लिखा है औपचारिक पत्र आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, यानी अगर आपसे कह दिया जाए औपचारिक पत्र लिखिए तो कैसे लिखेंगे औपचारिक पत्र, तो देखिए औपचारिक पत्र को लिखने की शुरुआत बाईं ओर से करनी चाहिए, इधर से बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए सेवा में, क्या लिखना चाहिए, सेवा में लिखना चाहिए, यानी शब्द लिखकर उसके बाद पत्र पाने वाले का नाम, यानी उसका नाम लिखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अब उचित संबोधन क्या है, जो देखिए जैसे श्रीमान, मान्यवर या आदरणीय, इनका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके बाद
पत्र पर पत्र पाने वाले का पता जो है वो लिखना चाहिए। अब पता ही हो सकता है या कोई कंपनी का मामला हो सकता है, यानी कंपनी का नाम हो सकता है, उसका पता लिखना चाहिए। ठीक, तो पहला क्या करना चाहिए कि पहला आपको बाईं ओर से शुरू करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए सेवा में, उसके बाद पत्र पाने वाले का नाम लिखकर उचित संबोधन जो है वो लिखना चाहिए। अभी मैं इसके नीचे जो है वो मैंने पेपर का फॉर्मेट भी रखा है, ज़रा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी बताएंगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ देखिए, तब तक कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए कि उसके बाद तत्पश्चात यानी पत्र जिस उद्देश्य के लिए लिखा जा रहा है उसका विषय लिखा जाना ज़रूरी है। यानी पहले आप उसको क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे, यानी कौन से विषय में पे हम जो है वो पत्र लिख रहे हैं। विषय लिखने के बाद एक बार फिर पत्र पाने वाले के लिए संबोधन जो है वो प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रिय मैम या प्रिय सर या प्रिय जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद संबोधन लिखने के बाद, यानी संबोधन लिखने के बाद जो पत्र का मुख्य विषय है उसको विस्तृत में वर्णन करना चाहिए। अब उसको आप आसानी से जो भी आपने सोचा है, जिस उद्देश्य से लिखना चाहते हैं, आप उसको जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसके अंदर कि मुख्य विषय का जो अंत है, जब वो ख़त्म हो, यानी आपने जब अपना विषय जो है वो लिख लिया है, तो उसके बाद उत्तर की जो प्रतीक्षा है, यानी अगर देखा जाए तो उत्तर की जो प्रतीक्षा है उसके बारे में जो है वो होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे मुख्य विषय का अंत करते समय प्रतीक्षा में, जैसे मान लीजिए आपकी प्रतीक्षा में लिखते हैं ना, ये बहुत सारे लोग लिखते हैं ना कि आपका आज्ञाकारी, वैसे ही आपकी प्रतीक्षा में यशा धन्यवाद या शेष कुशल, इन सब का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पत्र के अंतिम भाग में भौदिया या आपका आभारी या आपका आज्ञाकारी, ये शब्द जो है वो लिखे जाने चाहिए। ठीक है, यानी भौदिया, आपका आभारी, आपका आज्ञाकारी, ये सब जो है वो लिखे जाने चाहिए। उसके बाद पत्र भेजने वाले का नाम या कोई कंपनी, अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम, उसका पता और दिनांक, ये सब जो है वो लिखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अंत में क्या होगा कि जो जिसने पत्र लिखा है, ठीक है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, यानी उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। नीचे आप देखिए मैंने सैम्पल इमेज जो है वो दिखाया है, यानी इस तरीके से आप पत्र जो है वो लिखेंगे। देखिए ये देखिए, क्लियर है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैंने लिखा है कि औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है पता, फिर लिखा है क्या है, दिनांक, फिर यहाँ पे क्या है, सेवा में, फिर यहाँ पे विषय, फिर यहाँ पे श्रीमान जी। अब इस वाले एरिया में आप अपना अपनी बात लिखेंगे, जो भी लिखना होगा। फिर उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद आपका आज्ञाकारी, शिष्य या आपका आभारी, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं उसकी बात यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो चलता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, अब जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन है, यानी सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड में क्या है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ये काफ़ी आप लोग यही लिखते चले आए हैं, तो शुरू से यही लिखते चले आए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इन पत्रों के अंतर्गत, यानी जो ये पत्र होंगे इनके अंतर्गत क्या किया जाता है, उन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है जो अपने प्रियजनों को लिखा जाता है। प्रियजनों का मतलब होता है अपने मित्रों को, देखिए अपने मित्रों को लिखा जाता है, अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पर कि एक पिताजी को या माता जी को किसी के पुत्र ने जो है वो पत्र लिखा होगा। ठीक है, यानी पता जो लिखा गया पत्र है, जैसे भाई बंधुओं को, ठीक है, भाई बंधुओं को लिखा गया पत्र, या किसी मित्र को लिखा गया हो, ठीक है, जैसे हेतु पत्र, मतलब सहायता हेतु पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र या सुखद पत्र, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई। यानी इसमें सीधे सीधे मैं ऐसे बोलूँगा, सगे संबंधियों द्वारा लिखा गया जो पत्र होता है, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे आप जुड़े हैं, तो ऐसे पत्र को हम अनौपचारिक पत्र जो है वो कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन और माता पिता, सगे संबंधी, मित्र, इन सबको लिखने वाला जो पत्र होता है उसे हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, यानी अपने प्रियजनों का जो लिखा जाता है वो पत्र बोलते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र इसे हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब अनौपचारिक पत्र में क्या होना चाहिए, देखिएगा, अनौपचारिक पत्र का अगर देखा जाए तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। लिखा गया सबसे पहले बाईं ओर पत्र भेजने वाला का पता लिखा होना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता जो है वो लिखा होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रेषक के पते के नीचे, ठीक है, यानी जो प्रेषक के पते के नीचे
तिथि लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? डेट लिखी जाती है। उसके बाद भेजने वाले का केवल नाम नहीं लिखा जाता, यदि आपने बड़ों को पत्र लिखा है तो उसके लिए पूजनीय, ठीक है, आदरणीय, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लगाएंगे, ठीक है। यानी पूजनीय हुआ, आदरणीय हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लगाएंगे। जैसे देखिए, पूजनीय आदरणीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनके संबंध में लिखा जाता है। जैसे पूजनीय पिताजी, यदि आपने किसी छोटे या कोई बराबर व्यक्ति को पत्र लिखा है, यानी आपने बिल्कुल हम उम्र को आपने जो है वो लिखा है, तो उसके साथ प्रिय मित्र, ठीक है, या बंधुवर, ये जो है शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपका अभिन्न मित्र, ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो जो इसके बाद जो पत्र है उसका मुख्य भाग आएगा, ठीक है, मुख्य भाग आएगा, जिसको दो अनुच्छेदों में लिखा जाएगा, यानी दो आर्टिकल्स में लिखा जाएगा। फिर अगला है कि पत्र के मुख्य भाग की समाप्ति, ठीक है, यानी समाप्ति धन्यवाद सहित लिखकर किया जाता है, यानी धन्यवाद आखिरी में लिखा जाता है। उसके बाद अंत में क्या किया जाएगा, अगला जो स्टेप है वो ये कि जो प्रार्थी है, यानी जिसने भेजा है, अब अगर वो लड़का है तो प्रार्थी, अगर वो लड़की है तो वो हो जाएगा प्रार्थनी, क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रार्थनी हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, या तुम्हारा स्नेही, ठीक है, इन शब्दावलियों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और बाद में फिर जो है वो अपने हस्ताक्षर या अपने सिग्नेचर जो है वो कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसका ज़रा सैंपल देखें आप, तो ये जो सैंपल है अब आप देखिए आपके सामने कि अनौपचारिक पत्र ऐसा होता है, पता, फिर दिनांक, फिर देखिए लिखा है मेरे प्रिय मित्र या भाई, बहन, बेटा, पुत्री या कुछ भी, उसके बाद बहुत प्यार, उसके बाद क्या हो जाएगा, पत्र का आरंभ। अब आप अपनी बातों को यहाँ इस लाइन में पूरा लिख देंगे, ठीक है, और आगे की तरफ हम इसको बढ़ाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है तुम्हारा भेद मित्र, भाई, बहन, पिता या माता, जो कुछ भी लिखना हो, उसके बाद जो पत्र लिख रहा हो उसका यहाँ पे नाम जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पत्र जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है, इसमें ये कहा, क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि जो औपचारिक पत्र है, मैं भी फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, औपचारिक पत्र को लिखने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों को उसमें शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहला है मौलिकता, ठीक है, यानी पत्र की जो भाषा होनी चाहिए, जो पत्र की भाषा होनी चाहिए वो पूर्ण मौलिक होनी चाहिए। पत्र सदैव उद्देश्य के अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए, यानी आप जिस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं उसी से आपका जो है वो आपका टॉपिक होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस उद्देश्य से लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार की भाषा का जो है वो प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, और एक नयापन होना चाहिए, क्लियर, यानी आपके लिखने के अंदर एक स्टाइल होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए। दूसरा है संक्षिप्तता, इसका मतलब होता है, मैंने अभी पीछे बताया है कि आप अपने लेटर को, अपने पत्र को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय जो है वो किसी के पास नहीं है, और अपनी बातों को सभी जो है वो थोड़े से ही शब्दों में कहना या सुनना जो है वो पसंद करते हैं। तो आप मुख्य विषय को बहुत ही संक्षिप्त में आसानी से पूरी की तरीके से पूरा लिखें, ठीक है, यानी संक्षिप्त में लिखें लेकिन पूरा लिखें, क्लियर। अब ये भी नहीं कि संक्षिप्त में लिख के आप आधी बात लिख दें, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ देखें, दूसरा है कि योजनाबद्ध, योजनाबद्ध का मतलब होता है कि जब आप पत्र लिखने जा रहे हों तो उससे पहले जो भी चीज़ें आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा कर लें। ये नहीं कि आपने पत्र लिखना शुरू कर दिया तब आपने सोचना कि शुरू किया कि क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो वो उसमें थोड़ा गलत हो जाएगा। तो पत्र लिखने से पूर्व क्या होना चाहिए, सारी योजना हमें बना लेनी चाहिए, ठीक है, बिना योजना के पत्र प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका अंत जो है वो सही नहीं हो पाएगा। अगर आपने ऐसे ही कर दिया तो वो अंत जो है वो उसका सही नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ पूर्णता, यानी जब आप पत्र लिख रहे हों, यानी पत्र को लिखते समय पूर्णता का ध्यान होना चाहिए, आप आधी बात ना लिखें, तो पूर्णता का ध्यान आपको होना चाहिए। पत्र में सारी बातों को, समस्त बातों को लिखने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए तो जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ना, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ जो है वो उसको लगा देना चाहिए, संलग्न कर देना चाहिए। बाद में संपूर्ण पत्र पर विचार करना चाहिए, उसके बाद पत्र पर जो है वो लिखना आरम्भ करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी सारे इन्फॉर्मेशन, सारी डॉक्यूमेंट्स को, सारे सबूत, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यानी जिस प्रकार का आपका लेटर है उस हिसाब से वहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को जो है वो शुरू कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम वो क्या है, आकर्षक होना चाहिए। यानी पत्र को आकर्षक बनाने के लिए, यानी पत्र आपको अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तत्वों को शामिल करना पड़ेगा
जो जो पाठक क्या करे, प्रभावित करे, यानी जो पढ़ने वाला है उसको प्रभावित करना चाहिए, यानी उसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो पत्र पढ़ने वाला हो या जो देखने वाला हो, ठीक है, पत्र पढ़ने वाला जो है वो उसको देखे, तो वो पत्र जो है वो देखने में सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, आप जैसे तैसे नहीं लिख डालेंगे, ठीक है। पत्र जो है वो हमेशा अच्छे कागज़ पे, एक साफ़ कागज़ होता है बिल्कुल वाइट, ठीक है, सफ़ेद कागज़ होता है बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, कोरा कागज़ होता है, उस पर सुंदर ढंग से लिखना चाहिए या उसको टाइप करना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको पत्र लिखते हुए जो है वो की जानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेके जो है वो बैठेंगे, या इतने सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे पत्र लिखते हुए, तो आपका पत्र कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत अच्छा पत्र आपका लिख जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो मार्क्स हैं, आपको अंक हैं, वो एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये बात हमारी थी जो कि आपके सामने मैंने रखी, कि आपको किस तरीके से जो पत्र है वो लिखना है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आप इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, क्लियर है, और जो है वो कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है उसका इंतज़ार करें, क्लियर, ठीक है, उसका इंतज़ार करिए, और आपकी जो वीडियो है वो आती रहेगी। तो हम यूपी बोर्ड से संबंधित अभी चीज़ों को जो है वो समझा रहे हैं, ताकि आपको जो है वो किसी तरीके से एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ठीक है, अब आप इस मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके, थैंक यू।